दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए? इन्होंने सेंटर बनाया, कौन सा सेंटर बनाया आप बताइए ना, कौन सा सेंटर बनाया? हमारे जो नेता हैं जैसे हमारे रविंद्र रैना जी हैं, वो तो बहुत आवाज उठाते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आए आज? हमारे लिए भी आना चाहिए था ना। तुम बोलते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बीजेपी वाले क्या करते हैं? बीजेपी वालों ने क्या किया आम पब्लिक के लिए, क्या किया बताओ ना? आम पब्लिक तो भूखी मर गई, क्यों बोलते थे? तो आप देख रहे हैं न्यूज़ सेट इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम जोनल ऑफिस जम्मू कश्मीर बैंक के बिल्कुल बाहर हैं और यहां पे ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं, ये सब लोग जो हैं सिक्योरिटी के रूप में जो है जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और इनकी जो महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और दिवाली आगे आ रही है, दिवाली ऑफ़र के रूप में इनको ये मिल रहा है कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो कम की जा रही है। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, सोमराज मेरा नाम है। क्या हुआ आज, क्यों आप यहाँ पे धरना लगा के बैठे? सर, हमारी जो पहली स्कूटी थी वो हमें देती थी बेसिक 1750 रुपये पर मंथ सैलरी आती थी, और 1620 रुपये हमारा महीने का OPF डालते थे। तो अभी ये जो नई स्कूटी आई है BD स्कूटी, इसका नाम है, ये हमें दे रही है 5500 रुपये दे रही है पर मंथ। तो उसमें हम क्या कर पाएंगे सर? हर कंपनी आगे को बढ़ती है, अपने लिए बढ़ते, हमारे लिए सर नीचे क्यों आगे? हम चाहते हैं हमें कम से कम 10,000 सैलरी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा 12% जो हमें TA देते हैं उसका हमें मिलना चाहिए। सर, आप कब से इस जॉब में लगे हैं? सर, मुझे तो सेम ही नहीं हो गया अभी। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे साथी जो हैं कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं सर, हम जो हमारे ATM के गार्ड हैं इनको कम से कम 10,000 सैलरी होनी चाहिए, जो हमारे गनमैन एक्समैन हैं इनको 15,000 सैलरी कम से कम होनी चाहिए। हम काम करने को तैयार हैं, तब तक हम काम नहीं करेंगे ना किसी को करने देंगे जब तक हमारी सैलरी का ही डिसाइड नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं ही बोल नहीं सकता, थोड़े लाल सिंह सर। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप, सड़कों में बैठे हैं, क्या कारण है? हमारी मांग यही है कि ATM का गार्ड है जो, कम से कम उसकी सैलरी है जो 10,000 होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है, गनमैन है, बैंक में लगे हुए हैं, उनकी कम से कम सैलरी 15,000 रुपया होना चाहिए। तो ये थोड़े के एक सिक्योरिटी एक एजेंसी गई दूसरी आ गई काम ठेके पे, उसका कोई मतलब थोड़े है। कितने लोगों के घरों पे इसका असर पड़ने वाला है? बहुत बहुत सारे घरों में असर पड़ेगा इसका। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रोटेस्ट की शक्ल में ये लोग जो हैं यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबा सरगोत्रा। सरगोत्रा साहब, आप कब से सिक्योरिटी एजेंसी में? सिक्योरिटी हमारा कोई 10 साल हो गए इसमें सिक्योरिटियाँ को। हाँ जी सर। महंगाई ऊपर जा रही है, तनख्वाही नीचे आ रही है? महंगाई ऊपर जा रही है, तेल भी ऊपर जा रही है, रोटी खाना भी ऊपर जा रहे, बच्चों की फीस भी ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो जहाँ हम इधर काम करते हैं वो तो नीचे जा रहे हैं, जो उसका अपना वो अब नीचे जा रहा है। बिल्कुल। इनका वो कोई नेट शेट शायद लूज हो गया, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तनख्वाही बढ़ानी है कि घटा। वो महाराज उनको तो क्या, वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे आराम से, उनको तो क्या है। कोरोना टाइम में गार्ड ने पूरी बैंक की हेल्प की, गार्ड को कुछ हो जाता तो कौन देखता? इन्होंने ये अपना नहीं सोचा। इन्होंने जो बड़े बड़े चेयरमैन आते हैं, कोई भी आएगा उन्होंने अपना सोचना है, हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। गरीब है, गरीब जहर खा के मर जाएगा तो मर जाएगा, गरीब ने क्या सोचना? गरीब आया है मरने के लिए, गार्ड की ड्यूटी करेगा ATM में, सैलरी मिलती है 7750 रुपये, उससे घर चलता था, अब तो उससे भी नहीं चलेगा। हम चाहते हैं हमारी सैलरी 10,000 हो जाए, हमें PF नहीं चाहिए, हमें मेडिकल मिल जाए, ये सही जो मिलता है हमें वो मेडिकल मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें जितनी सैलरी है, हमारी पैराग्रीन थी, कुछ भी थी, जैसे भी थी, अच्छी कंपनी थी, हमें कुछ देती थी, हमारा घर परिवार चल रहा था। अब हम गरीब परिवार कहाँ से चलाएंगे? हम अपने बुजुर्ग फादर को बोलेंगे जो 80 साल के हैं, उनको बोलेंगे भाई हमें पैसे दो। आप कब से जुड़े हैं इस जॉब से? सर, मेरे को 10 साल हो गए जुड़े हुए। ये मतलब महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ। और तनख्वाहें जो हैं ये अपने उस प्रॉफिट के लिए कम कर रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये देखो तेल का रेट देखो कहाँ जा रहा है, पीमर का तेल लेने जाओ, कहीं भी चले जाओ मार्केट में लेने, 1,050 रुपये तेल हो गया है पीमर का। बंदा अगर ये कंपनी आई है, कंपनी वाले बोलते हैं 5,000 रुपये देंगे, ये मांगती है ब्लैंक चेक। इन्होंने फॉर्म भरवाया, फॉर्म में अंगूठे लगवाए, साइन करवाए, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, ये कहते हैं कि अपने जो वार्ड में जो म्यूनसिपलिटी का जो आपके जो वार्ड में जीता है उसका नंबर मिलाइए। क्या हमने कोई जायदाद लेनी है इनसे? हमने तो ड्यूटी करनी है, सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को 10 बजे जाते हैं, ठीक है, रात को ATM बंद करते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं, पैदल आते हैं,
ठीक है, गाड़ी कौन सी चलती है सुबह 5 बजे? चलो हम कहते हैं 5 बजे, चलो ठीक है बैंक ने रात को बंद कर दिया, अच्छा किया, घर जाते हैं, घर में आराम से बंदा सो सकता है, पर ना तो हमारा कोई इंश्योरेंस है रात को रास्ते में मार देगा, ना तो हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ है। हम चाहते हैं कि हमारे मोदी साहब जी कहते हैं देश का चौकीदार रात को जागता है। चौकीदार क्या क्या कैसे जागेगा जब तनख्वाह ही नहीं दोगे? चौकीदार को तो आपने सोचा है कि चौकीदार मार दिया जाए, गरीब जनता खत्म हो जाए। मोदी साहब कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए? इन्होंने सेंटर बनाया, कौन सा सेंटर बनाया आप बताइए ना, कौन सा सेंटर बनाया? हमारे जो नेता हैं जैसे हमारे रविंद्र रैना जी हैं, वो तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आए आज? हमारे लिए भी आना चाहिए था ना। तुम बोलते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बीजेपी वाले क्या करते हैं? बीजेपी वालों ने क्या किया आम पब्लिक के लिए, क्या किया बताओ ना? आम पब्लिक तो भूखी मर गई कि बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए आज बताइए ना आप। हम बैंक से ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी 10,000 की जाए, हमारे को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ड्यूटी जैसे लिए हम वैसे करेंगे, पर हमारी पुरानी कंपनी ही वापस दिला दो हमें। कब से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं सर? हमें सुबह 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 9 बजे से प्रोटेस्ट पे खड़े हैं। से कोई अधिकारी यहाँ पे मिलने आया आपसे? बैंक से कोई अधिकारी यहाँ मिलने अंदर बुलाते हैं? उनका इंटरव्यू हमें कहते हैं कि 1 महीने का टाइम देंगे, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। हमें टाइम नहीं, टाइम में तो हमें पता, हमने ड्यूटी करनी है, हमें फिर वही देंगे हमें ना। हम दफ्तर गए थे, दफ्तर जाएंगे ना, इन्होंने पहले वर्दी का 5,000 रुपये गार्ड लेना है, 500 रुपये में हम क्या करेंगे? घर कहाँ से चलाएंगे? घर कहाँ से चलाएंगे आप बताइए? खाना कहाँ से खाएंगे? अभी प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, क्योंकि हमारे जो गनमैन है अंदर गाड़ी लेके कैश डालने जाते हैं, उनको कोई मार देगा, हमारे कोई एटीएम में मार देगा। हमारा एक गार्ड को मारा गया था नानक नगर एटीएम में, हमारे एक गार्ड को मारा गया था, ठीक है। अब हमारे लिए कुछ सोचा जाएगा? हमारा हम एलजी साहब से गुजारिश कहते हैं और मोदी साहब से गुजारिश कहते हैं हमारे लिए कुछ सोचा जाए। यहाँ पे जो जोनल ऑफिस है J&K बैंक का, उसके बिल्कुल बाहर ये सिक्योरिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या इनकी जो है आज सुबह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे कर रहे हैं। और जहाँ एक तरफ महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों की तनख्वाहों में जो है वो कटौती की जा रही है, जिससे नाराज़ ये सिक्योरिटी के लोग जो हैं, इनकी मांग है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ना कि कटौती की जाए। इस महंगाई के ज़माने में 5,500 रुपये से कैसे गुजारा होगा? इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एट इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।